नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। देखिए स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के साथ में तो ये वाला टेलीग्राम जरूर ज्वाइन करके रखिए। यूट्यूब चैनल में हमारे साथ है तो भी ये वाला टेलीग्राम ज्वाइन करना बहुत ज्यादा जरूरी है। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट, सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट पिक्स, सारा रिवीजन सब कुछ यहाँ पे बताया जाता है। यूपीपीसीएस 2020 का मेंस का जीएस पेपर 3 हो चुका है 23 जनवरी 2021 को। ये उसकी है ऑफिशियल पीडीएफ जो आज पेपर हुआ है। देखिए सारी हमने यहाँ पे डाल दी है स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के टेलीग्राम में। और प्लस 2018-19-20 मतलब तीनों जो जब से पैटर्न बदला है यूपीपीसीएस का उसका भी हम कंपाइल दे रहे हैं आपको। जीएस 1 का भी दे चुके हैं, 2 का भी, 3 का भी दे चुके हैं। एसए के भी जितने जो है पेपर हुए हैं 8-10 सालों के वो सारे हम दे चुके हैं पीडीएफ। हिंदी के भी दे चुके हैं, सारा इसी टेलीग्राम में मिले। ये टेलीग्राम जरूर फॉलो कर लीजिएगा। यहाँ पे जाके फाइल सेक्शन में अगर आप देखेंगे तो सब कुछ मिल जाएगा, पुराने पेपर भी मिल जाएंगे। बस आपको क्या करना होगा, गूगल से उसकी मेंस की डेट देखिएगा जब भी आप ये वीडियो देख रहे हो तब, और उसके बाद यहाँ पे फाइल सेक्शन में आके आप डाउनलोड कर सकते हैं। देखिए इसमें पेपर का पैटर्न यही है कि 20 क्वेश्चन आते हैं, सारे कंपलसरी होते हैं। यहाँ पे 10 क्वेश्चन आएंगे 125 वर्ड के 8 नंबर के, और 10 क्वेश्चन आएंगे 200 वर्ड के 12 नंबर के। ये 5 टॉपिक होते हैं मेनली, इकोनॉमी, एनवायरनमेंट, डिजास्टर मैनेजमेंट, साइंस एंड टेक्नोलॉजी और सिक्योरिटी के। ठीक है, इसमें अगर आप देखेंगे जीएसटी में यूपी के 2 क्वेश्चन पूछे गए हैं, एक 8 नंबर का, एक 12 नंबर का, यानी कि टोटल 200 में से सिर्फ 20 नंबर का यूपी का पूछा गया, 10% सिर्फ यूपी का है, और वो भी थोड़े से जनरलाइज क्वेश्चन टाइप के हैं। 2019 का अगर आप ये 2020 का सॉरी पैटर्न देखेंगे तो 2020 में जीएस 1, जीएस 2, जीएस 3 अभी तक का ये रहा है कि जो सिलेबस में मेन पॉइंट लिखे रहते हैं, जैसे जीएस 1 का सिलेबस दिया हुआ है, जीएस 2 का दिया हुआ है, जीएस 3 का, जीएस 4 का, इन पॉइंट को जो जितने भी सिलेबस के पॉइंट दिए हुए हैं इनका मोस्ट इंपॉर्टेंट आपको जो है कीवर्ड्स पता होनी चाहिए। मतलब कि सिलेबस पढ़ना भी बहुत जरूरी है। हमारे पेड ग्रुप में हमने आपको पॉइंट वाइज नोट दिए थे जीएस 1, 2, 3, 4 के, और जिससे डायरेक्टली क्वेश्चन आए हैं। नीति आयोग से हर बार क्वेश्चन आता ही आता है इसमें। नीति आयोग के लिए आप क्या कर सकते हैं, लक्ष्मीकांत का जो चैप्टर है उसमें से नीति आयोग डायरेक्टली पढ़ सकते हैं, सब कुछ वहीं पे दिया हुआ है। ठीक है, इसमें अच्छा एक चीज और है, जीएस 1 और जीएस 3 में कुछ कुछ ओवरलैप है ग्लोबलाइजेशन के जो टॉपिक्स हैं उनसे रिलेटेड, कुछ कुछ जीएस 2 का, जीएस 3 का है ये पॉवर्टी से रिलेटेड। जीएस 3 वाला जो पेपर होता है एक्चुअली, अगर आप बस पिछले 1.5-2 सालों का मतलब पिछले 1-1.5 साल का आप करंट अफेयर ध्यान से पढ़ें, जो मेजर इश्यूज चलते हैं उनसे जो है लगातार क्वेश्चन आते हैं। जीएस 3 प्योरली करंट अफेयर बेस्ड होता है प्लस, लेकिन इस बार थोड़ा सा यहाँ पे यूपीपीसीएस ने चेंज किया है, अब आपको जीएस 1, 2, 3, 4 के जो सिलेबस में लिखे हुए पॉइंट हैं उनको बहुत ध्यान से पढ़ना पड़ेगा, जो ऑफिशियल सिलेबस होता है वो। ये है पेपर आपका जीएस 3 यूपीपीएससी 2020 का मेंस, 200 नंबर का होता है। देखिए मैंने बताया आपको हिंदी या अंग्रेजी किसी भी भाषा में आपको आंसर देने होते हैं, लेकिन एक भाषा में अगर आपने लिखना चालू किया तो उसी में लिखना पड़ेगा, ये नहीं कि एक प्रश्न हिंदी में एक इंग्लिश में, ये नहीं हो पाएगा। ठीक है, अब इसमें देखिए किस तरह से सस्टेनेबल डेवलपमेंट के हर बार क्वेश्चन आते हैं। पहला क्वेश्चन है डायरेक्टली, अगर मतलब आप पूरा पेपर देखेंगे, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि वहां पे 20 के 20 क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करके लिखना, और पेपर जो है एनालाइज करना थोड़ा सा आसान हो सकता है, लेकिन जब आप वहां पे लिखते हो तब आपके माइंड में जो है वहां पे मेंटल प्रेशर होता है, इतने सारे लोगों को आप देखते हो, सब बिल्कुल जल्दी जल्दी कलम से लिख रहे होते हैं, उस टाइम पे जितने थॉट प्रोसेस जो है आपके आते हैं, कुछ पॉइंट आप वहां पे आते हुए भूल जाते हो, तो वहां पे लिखना एक इंपॉर्टेंट बात होती है। इसीलिए पेपर के लेवल को कभी भी इजी, मॉडरेट, टफ में नहीं तोलना चाहिए। पेपर का लेवल जो है स्टैंडर्ड है जैसा होता है। पहला क्वेश्चन आप देख सकते हैं कि लीविंग नो वन बिहाइंड का क्या मतलब है। देखिए नॉर्मल सा कॉन्सेप्ट है ये। अच्छा, ये वाला पेपर ऐसा भी है कि इसको जो भी नॉर्मली जो लोग लगातार जो है पेपर देखते हैं, न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, करंट अफेयर में जो है टच में रहते हैं, आराम से वो लोग यहां से सारी चीजें कर सकते हैं, बशर्ते आंसर राइटिंग प्रैक्टिस यहां पे की गई हो। सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट यहां का है आंसर राइटिंग, लगातार आपको आंसर राइटिंग करनी पड़ेगी, उस पर फीडबैक लेना पड़ेगा। हमने लगातार मॉडल आंसर राइटिंग के कई सारे वीडियो आपको दिए थे, उससे डायरेक्टली क्वेश्चन जीएस 1, 2 में भी आए हैं, 3 में भी आए हैं, एसए में तो पूरा का पूरा आया, हिंदी में भी पूरा का पूरा आया है। जो भी हमारे पेड ग्रुप में है उन्होंने ये सारे क्वेश्चन ऑलरेडी अटेम्प्ट किए थे और हमने लगातार फीडबैक भी दिया था आपको। ठीक है, इसका क्या मतलब है लीविंग नो वन बिहाइंड, मतलब कि भैया जो एक्सट्रीम पॉवर्टी है, जो एक्सट्रीम मार्जिनलाइजेशन पे है, उनको भैया किसी तरह साथ मिलाओ, तभी सस्टेनेबल डेवलपमेंट का गोल अचीव हो पाएगा। क्लाइमेट चेंज की वजह से आपने देखा है जब भी कोई डिजास्टर होता है तो सबसे ज्यादा मरता जो है वो वही आदमी है जो सबसे ज्यादा गरीब होता है, जो थोड़े से वेल ऑफ होते हैं, थोड़े से जो है अपर मिडिल क्लास के लोग होते हैं, फिर भी सर्वाइव कर जाते हैं, बच जाते हैं। तो सबसे ज्यादा फोकस करने की जरूरत कहां पे है, जो बहुत ज्यादा गरीब है, एक्सट्रीम पॉवर्टी में जी रहा है, एक्सट्रीम मार्जिनलाइजेशन में जी रहा है। दूसरी बात, इनइक्वालिटी जो है इंडिविजुअल्स के बीच में भी खत्म करनी है, ग्रुप्स के भी बीच में खत्म करनी है, यही पूरा कॉन्सेप्ट से रिलेटेड है लीविंग वन बिहाइंड। भैया किसी को भी पीछे ना छोड़ना, सबको साथ लेके चलना, और सबका साथ, सबका विश्वास, सबका जो है विकास, ये सिर्फ कहने से नहीं, ये करके भी दिखाना पड़ेगा, ये इंपॉर्टेंट चीज है यहां पे। ऑब्जेक्टिव ऑफ नीति आयोग पूछा है, डायरेक्टली क्वेश्चन है ये, लक्ष्मीकांत का अगर आप चैप्टर पढ़े तो आराम से यहां पे जो है आप लिख सकते हैं। 3 साल का एक्शन प्लान भी आप आराम से यहां पे लिख सकते हैं। इस टेंशन मत लीजिए, 2018-19-20
यूपीपीसीएस के जो पेपर्स हैं, हम लोग अलग से पूरा मॉडल आंसर के साथ फिर से एनालिसिस करेंगे, ठीक है। अच्छा एक चीज और है, ये जो यहां पर डिस्कस लिखा हुआ है, कभी एक्सप्लेन लिखा हुआ है, कभी व्हाट लिखा हुआ है, डिस्क्राइब लिखा हुआ है, क्रिटिकली एक्सप्लेन लिखा हुआ है, एनालाइज लिखा हुआ है, इन सब वर्ड का मीनिंग आपको जरूर पता होना चाहिए। देखिए आप टाइप्स ऑफ क्वेश्चन स्टडी फॉर सिविल सर्विस यूट्यूब में डालेंगे तो आपको ये वीडियो मिल जाएगा, ये जरूर देख लेना। सब कुछ बताया गया है कि किस क्वेश्चन में क्या लिखना है। क्वेश्चन को लिखने से पहले उसको 3-4-5 सेकंड जरूर पढ़ना चाहिए कि भैया एग्जैक्टली पूछ क्या रहा है, और पॉइंट टू पॉइंट आंसर देने की जो है आपको यहाँ पे कोशिश करनी चाहिए ताकि मैक्सिमम मार्क्स यहाँ पे अचीव किए जा सके। GS3 का रिकॉर्ड रहा है कि हमेशा यहाँ पे मार्क्स जो है ऑलमोस्ट जो है लोगों को अगर आप GS 1, 2 और 4 से कंपेयर करेंगे तो थोड़े से कम मिलते हैं, लेकिन अगर आप टू द पॉइंट आंसर लिखेंगे, करंट अफेयर से बिल्कुल टच में रहेंगे और लगातार आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करते रहेंगे तो आप आराम से इसमें भी ज्यादा मार्क्स ला सकते हैं। GS 3 के जो हाईएस्ट मार्क्स देखे थे मैंने 2018 के मेंस के मार्कशीट के हिसाब से 121 देखे थे, शायद और भी लोगों के होंगे, कई सारी मार्कशीट थी मुझे जहां तक याद आ रहा है 121, लेकिन ज्यादातर लोगों के मैंने देखे 70, 80, 90 ऐसे ही आए हैं, कुछ लोग के तो इवन और ज्यादा एक्सट्रीम 30, 32, 21 नंबर तक दिए गए हैं। अब ये सब जो है ये सिर्फ आंसर राइटिंग से ज्यादा ज्यादा प्रैक्टिस करने से इंप्रूव हो पाएगा। अच्छा ये एक चीज और है, यूपीपीएससी मेंस मॉडल आंसर अगर आप यूट्यूब में सर्च करेंगे तो ये प्लेलिस्ट दिखेगी। देखिए 139 हमने वीडियो दिए हैं, लगातार हमने आपकी प्रैक्टिस कराई, सारे करंट इश्यूज को हम जो है क्वेश्चन आंसर में कन्वर्ट करके आपकी प्रैक्टिस करवाते हैं, और इस प्लेलिस्ट से GS 1, 2, 3, 4 2020 के मेंस में बहुत सहायता मिली होगी जिसने भी देखी है, ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चन डायरेक्टली इनडायरेक्टली आपको यहां से मिले होंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आया फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री से रिलेटेड कि भैया ये डेवलप कंट्री की तरह इंडिया की फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री नहीं ग्रोथ हो पाई, तो जो जो चैलेंजेस हैं, जो जो यहाँ पे कौन से हैं, क्या क्या कठिनाइयां आ रही है, सब कुछ यहाँ पे बताना है। स्मॉल स्केल इंडस्ट्री पूछा है यूपी का, यही एक क्वेश्चन है जो ODOP नहीं स्कीम है, 1 District 1 Product, उससे रिलेटेड यहाँ पे करके पूछा है कि भैया कौन कौन सी है और क्या क्या इनका रोल है इकोनॉमी में, काफी फोकस कर रही है यूपी गवर्नमेंट। ये वाला क्वेश्चन बड़ा कन्वेंशनल है और बहुत बार पहले भी पूछा जा चुका है, क्या कॉजेज हैं, क्या क्या रीजन है, क्या क्या आपके यहाँ पे क्यों, मतलब कृषि उत्पादकता में कमी है इंडिया की, एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी क्यों कम है। SCNG एक नया ये जो टेक्नोलॉजी आई है कि अब क्या करते हैं कि CNG को फैक्ट्री फिटेड करके गाड़ी में दे देते हैं जिससे माइलेज बढ़ जाता है, एफिशिएंसी बढ़ जाती है, परफॉर्मेंस बढ़ जाती है, वो सारी चीजें यहाँ पे पूछी हैं। ये मारुति सुजुकी ने भी लॉन्च किया था। फिर ये क्या क्या चैलेंजेस हैं कंजर्वेशन ऑफ वाइल्ड लाइफ में, ये पूछे हैं। क्रिटिकली एग्जामिन मतलब आपको पूरी एनालिसिस करनी पड़ेगी, सिर्फ प्रोस से नहीं बात चलेगी, कॉन्स और सब कुछ लिखना पड़ेगा, क्रिटिकली एग्जामिन का मतलब यही है। नार्को टेररिज्म इज अ थ्रेट टू इंडियाज इंटरनल सिक्योरिटी, ठीक है, इलीगल जो ड्रग ट्रैफिकिंग करते हैं उनसे रिलेट करके यहाँ पे पूछा है, और लेटेस्ट अभी कई सारी चीजें चर्चा में थी उसी लिए जो है यहाँ पे वाला क्वेश्चन पूछा गया है। मनी लॉन्ड्रिंग और ह्यूमन ट्रैफिकिंग एज ए नॉन ट्रेडिशनल सिक्योरिटी चैलेंजेस, ये पूछा गया है, और ये वाला जो है इसमें कॉन्सेप्चुअल डेफिनेशन भी लिखी जा सकती थी, ये पुराना सा क्वेश्चन है, बस आपको कॉन्सेप्ट की अंडरस्टैंडिंग होना बहुत जरूरी है यहाँ पे लिखने के लिए, और लिखने की प्रैक्टिस करना लगातार जरूरी है चाहे जितने भी कॉन्सेप्ट आपको पता। देखिए कुछ कुछ एक आध क्वेश्चन यहाँ पे डिफेंस स्टडी से पूछ लिया, डिफेंस स्टडी हटा तो जरूर दिया लेकिन शायद जो यहाँ पे पेपर बनाने वाले हैं उनके मन से नहीं गया, खैर ये वाली चीज जनरलाइज भी करके पूछी जा सकती है। रिवॉल्यूशन इन मिलिट्री अफेयर्स, क्या क्या मिलिट्री के फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स हैं उनसे रिलेटेड है, और कैसे ये सिक्योरिटी परस्पेक्टिव में ये इंपॉर्टेंट है। ये एक कन्वेंशनल क्वेश्चन है, क्या क्या इंपैक्ट है ग्लोबलाइजेशन का ट्रेड एम्प्लॉयमेंट और वुमेन एम्प्लॉयमेंट में और इक्वलिटी ऑफ इनकम में, वेल्थ डिस्ट्रीब्यूशन में, ये क्वेश्चन पहले भी पूछा जा चुका है। फिर नेक्स्ट ये यूपी का कोर क्वेश्चन है, वेलफेयर स्कीम ऑफ यूपी बताना यहाँ पे और क्या क्या रोल है, बस यही दो क्वेश्चन है, एक पहले आया था ODOP से रिलेटेड स्मॉल इंडस्ट्री और एक ये वेलफेयर स्कीम, तो दो क्वेश्चन आए 20 नंबर। ये वाला काफी जो है नॉर्मल सा क्वेश्चन है, NCERT क्लास 9th का पापा वीडियो हमने दिया हुआ है उससे आराम से आप कर सकते थे। ये वाला क्वेश्चन, क्या क्या मेजर चैलेंजेस हैं पॉवर्टी और इनइक्वालिटी को मतलब रिड्यूस करने में इंडिया में। देखिए आजकल जो है ना NCERT पे फोकस बढ़ा है, NCERT प्लीज आप इग्नोर मत करिए, जो NCERT के बेसिक बुक्स हैं जैसे इकोनॉमी की आपको पढ़नी पड़ेगी, एटलीस्ट 9th, 10th, 11th की जरूर पढ़ लीजिए, 12th वाली में तो चलो प्री वाला ज्यादा फोकस होता है, GDP के कॉन्सेप्ट होते हैं, लेकिन बाकी जो मेजर कॉन्सेप्ट है कैसे कैसे इंडिया की इकोनॉमी डेवलप हुई है, 9th वाले में पॉवर्टी वाला सब कुछ बताया जाएगा, 11th वाले में इंडिया के इंडिपेंडेंस से लेके क्या क्या पॉलिसी अडॉप्ट की गई, ये आपको पढ़नी चाहिए, ठीक, और प्लस और भी NCERT ज्योग्राफी आपको हो गई और ये सब पढ़नी चाहिए। ये वाला क्वेश्चन भी वहीं से है, लाइन ऑफ पॉवर्टी, भैया लाइन ऑफ पॉवर्टी क्या होती है, हर एक देश की पहली बात तो ये अलग अलग होती है और हर एक देश अपना डिसाइड करता है कि भैया इस लाइन से ऊपर अगर आप कमाते हो तो आप गरीबी रेखा से ऊपर हो, गरीबी रेखा इसके नीचे हो तो गरीबी रेखा से मतलब गरीब हो आप, सिंपल बात ये है। अब जैसे अमेरिका में $13,000 पे लोग जो है गरीब माने जाते हैं, $13,000 से अगर कोई कम कमाता है तो फिर वो गरीब है, मतलब इंडिया के रुपए के हिसाब से 9.5 लाख के आसपास हो गए, और इंडिया में आप जानते हो 800 रुपए जो है पर मंथ के हिसाब से यहाँ पे बड़ा जो है यहाँ पे उसको कोई कंपैरिजन ही नहीं कर सकते हैं इंडिया से। इंडिया में कई सारी जो है इसके लिए ये कमिटी भी बनाई गई लेकिन फिर भी वही डाक के 3 पात ही रह गए, और कुछ इसमें कम से कम लाइन ऑफ पॉवर्टी में भी कुछ इंप्रूवमेंट नहीं दिखा। खैर क्या क्या पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम इंडिया के ये आपको बताने, और ये वाला पूरा क्वेश्चन
आप एनसीईआरटी 9 से कर सकते हो, एनसीईआरटी 9 की पापा वीडियो देख लेते हैं आप अगर, तो पूरी अंडरस्टैंडिंग उसी से आई है। जीएस 3 वाले लोग प्लीज एनसीईआरटी 9 क्लास की जरूर पढ़िएगा, 9 तो 11। ये एक कन्वेंशनल क्वेश्चन है, क्या ऑब्जेक्टिव है नेशनल मैन्युफैक्चरिंग पॉलिसी के, इसमें अगर आप क्वांटिफाई करके ऑब्जेक्टिव बताएंगे तो और अच्छे से मार्क्स मिल सकते हैं। मेक इन इंडिया स्टार्टअप इंडिया को अब पूछा है क्रिटिकली एनालाइज करने को, साइंस टेक्नोलॉजी और इनोवेशन पॉलिसी को पूछा है 2020 की, फिर क्या क्या स्टेप लिए गए गवर्नमेंट के द्वारा नक्सलिज्म को काउंटर करने के लिए, नक्सलवाद का सामना करने के लिए क्या क्या चीजें बताई गई हैं, ये सब आपको बतानी है। ये भी एक थोड़ा सा डिफेंस स्टडी से रिलेटेड क्वेश्चन है, हालांकि इसको GS3 में पूछा गया है, न्यूक्लियर प्रोलिफरेशन के क्या क्या इश्यूज हैं और कैसे इसकी कंट्रोल जो एग्जिस्टिंग कंट्रोल मैकेनिज्म है वो सारी चीजों को यहाँ पे पूछा गया है। ठीक है, तो ये वाली चीजें ये सब पूछा है यहाँ पे कि कैसे क्या क्या इश्यूज हैं न्यूक्लियर प्रोलिफरेशन के और एग्जिस्टिंग कंट्रोल मैकेनिज्म। फिर इसमें पूछा है हायर डिफेंस ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंडिया को एक्सप्लेन करना है आपको। फिर नेक्स्ट पूछा है कि भैया वर्तमान उभरती सुरक्षा चुनौतियों में नाभिकीय हथियार भारत की सुरक्षा प्रबंधन में किस प्रकार लाभदायक हो सकता है। चाइना उधर फुदक रहा है, चाइना डेली कुकू कुकू करने लगता है, इधर पाकिस्तान फुदक रहा है, तो मतलब क्यों जो है किस तरह से जो हमारे पास न्यूक्लियर वेपन है वो किस तरह से इंडिया की सिक्योरिटी को मजबूत करने में सहायक हो सकते हैं, एक्सप्लेन करना है आपको ये सारी चीज। और भी कई सारे सिक्योरिटी चैलेंजेस हैं, इसका मॉडल आंसर जब देंगे तब आप देखिएगा, बाकी आप मेंस मॉडल आंसर वाली सीरीज जरूर देखते रहिए। GS3 की हमने प्लेलिस्ट भी बना के रखी है और उसको आप जरूर देखिए, जो मेन पॉइंट वाइज जो आपका सिलेबस दिया हुआ है उसमें हमने मैक्सिमम पॉइंट कवर कर रखे हैं, आप अगर उसको देखेंगे तो मेन बेसिक अंडरस्टैंडिंग आपकी क्लियर हो जाएगी। कोई कमेंट फीडबैक सजेशन हो तो जरूर दीजिएगा। ऑल द बेस्ट, जय।